इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीओसी पर, थोड़ी और बात करना रह गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई पीओसी में एल्डिहाइड एंड कीटोन की। बाबा जी, एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं ये बताएं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मलडिहाइड लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इथेनॉल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कीटोन लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है भाई, फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है। ये ध्यान रखें, फॉर्मिक एसिड स्पेशल होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है भाई। ठीक है, तो रिएजेंट भी अलग अलग गिवन है। सबसे पहले रिएजेंट है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट में होता क्या है, ऐसा एसिड्स जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड CO2 रिलीज करने वाला है, बाकी ये नहीं करने वाले हैं। तो फॉर्मल एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देने वाला है भाई। ठीक है, इथेनॉल भी नहीं देने वाला है, कीटोन भी नहीं देगा, लेकिन ये टेस्ट फॉर्मिक एसिड देने वाला है। ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी भाई ये रिएक्शन पर हमने बात करी थी, NaR पर बात करी हमने इस रिएक्शन पर, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, वाइट क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्म होता था। जब इस रिएक्शन पर बात करी थी तो स्टार पॉइंट मार करके लिखा था कि ये रिएक्शन कौन देता है भाई, एल्डिहाइड देते हैं और मिथाइल कीटोन्स देते हैं ये रिएक्शन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एल्डिहाइड देने वाले हैं भाई, मिथाइल कीटोन भी ये रिएक्शन देने वाला है, लेकिन फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देने वाला है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की अगर बात करें तो आइडोफॉर्म जब भी आता है दो ग्रुप मेरे दिमाग में चलते हैं। पहला ग्रुप CH3, C डबल बॉन्ड O और कार्बन की फ्री वैलेंसी पर कुछ भी हो। सेकंड ग्रुप CH3, CHOH और कार्बन की फ्री वैलेंसी पर कुछ भी हो भाई। दो ग्रुप मेरे दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पर देखा वो ग्रुप नहीं मिला, यहाँ पर देखा तो वो ग्रुप मिल गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन है। मतलब ये टेस्ट क्या होगा भाई, देगा, यहाँ पर गया तो यहाँ पर भी दिख गया भाई, ये भी टेस्ट देगा और ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है DNP टेस्ट। DNP टेस्ट की बात करी थी अपन ने NaR में। ठीक है, जब हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, 2,4-dinitrophenylhydrazine, ठीक है, DNP टेस्ट जिसे कहते हैं भाई। ठीक है, DNP टेस्ट में क्या होता था, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड इस रिएक्शन को देते थे, तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन को देने वाले हैं और फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन को नहीं देने वाला है भाई। ठीक है, हम एल्डिहाइड और कीटोन को ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर भी सेपरेट कर सकते हैं भाई। सबसे पहला आता है हमारे पास टोलन्स रिएजेंट। टोलन्स रिएजेंट जब हमने पढ़ा था, टोलन्स रिएजेंट क्या होता था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब हमने उसका स्टार पॉइंट लिखा था, वो क्या लिखा था कि सभी एल्डिहाइड भाई एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं टोलन्स के साथ, तो एल्डिहाइड देने वाला है, लेकिन यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज फ्रक्टोज नहीं गिवन है, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा भाई। ठीक है, और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है भाई। क्यों देता है, ऑन द बेसिस ऑफ CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है भाई इसमें। इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये टोलन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। नेक्स्ट अगर बात करें फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन का स्टार पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था भाई कि ऑल एल्डिहाइड गिव्स रेड PPT विथ फैलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहां पर एल्डिहाइड देने वाले हैं भाई, दोनों एल्डिहाइड देंगे, कीटोन ये रिएक्शन को नहीं देगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड देगा, क्योंकि CHO ग्रुप उसमें प्रेजेंट है भाई, उसके कारण वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड PPT फॉर्म करेगा भाई। बेनेडिक्ट में भी सिमिलर पॉइंट लिखा था कि वो भी रेड PPT देता है एल्डिहाइड के साथ, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये रेड PPT नहीं देता है, तो यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड रेड PPT देने वाले हैं बेनेडिक्ट के साथ।
कीटोन नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड देगा भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। नेक्स्ट आता है भाई सिप्स रिएजेंट। सिप्स रिएजेंट की बात करी थी ऑक्सीडेशन में। सिप्स रिएजेंट क्या होता था, मैग्नेटा डाई होती है, जब उसे SO2 गैस से पास किया जाता है तो उसका कलर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है। तो सभी एल्डिहाइड उसके कलर को क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन कीटोन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो सिप्स टेस्ट है या सिप्स रिएजेंट है उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड तो देंगे भाई, लेकिन कीटोन नहीं देगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी ये डैश नहीं देता है, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यार नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा तेरे पास, 1 degree versus 2 degree amine एंड 1 degree versus 3 degree amine को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। आंसर है इसका होपमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जैसे तू आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानता है। होता क्या है, ऑल प्राइमरी अमाइन्स गिव्स अनप्लीसेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड विथ क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम। जब प्राइमरी अमाइन्स को रिएक्ट कराया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, तो वो आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है और उसकी क्या होती है भाई, अनप्लीसेंट स्मेल। होता क्या है, जब प्राइमरी अमाइन है उसकी रिएक्शन CaCl3+ अल्कोहलिक KOH मतलब क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या होता है आपका आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, और आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अनप्लीसेंट स्मेल होती है भाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ अनप्लीसेंट स्मेल या आइसोसाइनाइड टेस्ट से हम 1 degree versus 2 degree amine एंड 1 degree versus 3 degree amine को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 degree amine और 3 degree amine ये रिएक्शन नहीं देगी, सिर्फ क्या देने वाली है, प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है 1 degree versus 2 degree versus 3 degree amine। अगर आपके पास 3 container हैं भाई, उसमें 1 degree amine भरा हुआ है, दूसरे में 2 degree एंड तीसरे में 3 degree, ठीक है, आपसे बोला जाए इनको सेपरेट करना है, तो सबसे पहला आप करोगे भाई होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से आप 1 degree versus 2 degree versus 3 degree amine को सेपरेट कर सकते हैं। होता क्या है, 1 degree amine की रिएक्शन जब आप CH2 के साथ करवाते हो, राइट, CH2 के साथ करवाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह से CH2 अटैच होगा। जब इसकी रिएक्शन आप HgCl2 के साथ करवाओगे, तो HgCl2 क्या करवाता है, मेनली आपका H2S गैस रिलीज करवाता है, -H2S करवाता है, ठीक है, आपका इस तरह का एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा भाई, इस तरह का आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इस कंपाउंड का नाम है भाई अल्काइल आइसोथियोसाइनेट, राइट, क्या नाम है इसका, अल्काइल आइसोथियोसाइनेट, और ये इसकी स्मेल होती है भाई मस्टर्ड ऑयल की, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होती है इसकी, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होती है भाई। नेक्स्ट अगर 2 degree amine की रिएक्शन CH2 के साथ कराई जाए भाई, ठीक है, तो वो इस तरह का आपके पास एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ करवाएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा भाई, ये CH2 के साथ तो रिएक्ट कर देगा लेकिन HgCl2 के साथ ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। 3 degree amine की रिएक्शन अगर CH2 के साथ कराई जाए तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन 1 degree versus 2 degree versus 3 degree amines कैन बी सेपरेटेड। नेक्स्ट हम सेपरेट कर सकते हैं भाई हिजनबर्ग टेस्ट से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट PHSO2Cl, ठीक है,
यहाँ पर होता क्या है, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन अगर इस रिएजेंट से साथ कराई जाए तो इस तरह का एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा भाई आपके पास। जब हिजेनबर्ग रिएजेंट किसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी 1 डिग्री अमाइन की, तो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जो प्रोडक्ट को जब आप KOH में डालोगे तो ये क्या होता है भाई, KOH में सॉल्युबल होने वाला है। नेक्स्ट अगर 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन PHSO2Cl के साथ कराएंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। जब इस KOH में से डालेंगे भाई तो ये KOH में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल हो रहा था, 2 डिग्री अमाइन इनसॉल्युबल है। 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जब आप PHSO2Cl के साथ कराते हो तो वो रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं देगा। तो यहां पर PHSO2Cl से हम सेपरेट कर सकते हैं 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री अमाइंस को। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ हमारा POC खत्म हो रहा है भाई, ठीक है। POC को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म होता है POC से, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या MP बोर्ड हो भाई, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिसने पहले वाली POC की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ POC 1 वाली वीडियो देखो भाई, देन POC की सेकंड वीडियो देखो और अपना एक क्वेश्चन पक्का कर लो, ठीक है। इसी के साथ हमने हमारा GOC सेकंड कंप्लीट कर लिया है। GOC सेकंड में कुछ रिएक्शंस बची हुई हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन मेनली आपकी 3 बची हुई हैं। पहला है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है केनिजारो एंड थर्ड है HVZ रिएक्शन। उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।